ये फल आपके खून में पहुंचाते हैं भयंकर यूरिक एसिड। CDC की चेतावनी, जोड़ों का दर्द बन जाएगा बहुत ही भयंकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। CDC ने यूरिक एसिड से बचने के लिए कुछ खास तरह के फलों से बचने के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि ये फल न केवल यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं बल्कि किडनी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यूरिक एसिड जब ब्लड में बढ़ता है तो छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाता है और खून के साथ ये क्रिस्टल जोड़ों और किडनियों में जाकर जमा होने लगते हैं। वहीं शरीर में गंदे तरल के जमाव से हड्डियों और किडनी को भी खूब नुकसान होता है। किडनी की फिल्ट्रेशन पावर कम होने लगती है और इसी का नतीजा होता है कि शरीर में यूरिक एसिड और बनने लगता है। खान पान में प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होने से ही यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। CDC ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि कौन से फल यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा बुरा असर दिखाते हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार बड़ी मात्रा में फ्रक्टोज युक्त फलों के खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यह नेचुरल शुगर होता है जो विभिन्न फलों, सब्जियों और पेय पदार्थों में होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हाई फ्रक्टोज वाले फ्रूट्स का जूस सबसे ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करता है। हालांकि इन फलों का जूस ही नहीं, फल भी खाने से मना किया जाता है। पहला है किशमिश। किशमिश अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, अच्छी बात है। हालांकि एक औंस किशमिश में लगभग 9.9 ग्राम फ्रुक्टोज होता है, इसलिए अगर आपको गठिया या किडनी की बीमारी है तो इसे खाने से बचें, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आपकी परेशानी को कई गुना बढ़ा सकती है। साथ ही अगर आपको डायबिटीज है तो भी इसे खाने से बचना चाहिए। अगला है पका हुआ कटहल। कटहल खाना बहुत से लोगों को पसंद होता है। कटहल हाई रफेज से भरा होता है और जब ये हरा होता है तो ये सब्जी के रूप में यूज होता है और पकने पर यह फल बन जाता है। सब्जी के रूप में इसे खाने से बहुत ही फायदे हैं, लेकिन इसके पकने के बाद बेहद खतरनाक होता है यूरिक एसिड के लिए, किडनी और डायबिटीज की बीमारी के लिए। अगला है अंगूर। अंगूर खाना शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन इसका हाई फ्रुक्टोज यूरिक एसिड और शुगर के मरीज के लिए खतरनाक होता है। एक कप अंगूर, चाहे लाल हो या हरा, में लगभग 12.3 ग्राम फ्रुक्टोज होता है, जो आपको इससे भी समझना होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगला है नाशपाती खाने से बचें। नाशपाती एक बहुत ही उपयोगी फल है। यह पेट को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा पाया गया है कि एक नाशपाती में लगभग 5 ग्राम फाइबर होता है। यह दैनिक आवश्यकता का लगभग 20% है, लेकिन अगर आपको गठिया है तो इससे बचें, क्योंकि इसमें 11.4 ग्राम फ्रुक्टोज होता है, के लिए खतरनाक होता है। एक कप अंगूर, चाहे लाल हो या हरा, में लगभग 12.3 ग्राम फ्रुक्टोज होता है, जो आपको इससे भी समझना होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगला है नाशपाती खाने से बचें। नाशपाती एक बहुत ही उपयोगी फल है। यह पेट को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा पाया गया है कि एक नाशपाती में लगभग 5 ग्राम फाइबर होता है। यह दैनिक आवश्यकता का लगभग 20% है, लेकिन अगर आपको गठिया है तो इससे बचें, क्योंकि इसमें 11.4 ग्राम फ्रुक्टोज होता है लगभग 20% है लेकिन अगर आपको गठिया है तो इससे बचें क्योंकि इसमें 11.4 ग्राम फ्रुक्टोज होता है